नेपाल में ईसाई मिशनरियों का प्रहार, मौलवी मौलाना हो रहे हैं एक्टिव। पूर्व उप प्रधानमंत्री कमलनाथ थापा ने जताई चिंता, कहा पूरे देश में धर्म विरोधी कानून, लेकिन नेपाल में कोई एक्शन नहीं। दोस्तों नेपाल में मौलवी और पादरी दोनों की ही गैंग बुरी तरीके से एक्टिव हो गई है और धर्म परिवर्तन को लेकर एक बड़ी षड्यंत्र रच रही है। पाकिस्तान के सीक्रेट ग्रुप्स की बात करें, उससे पहले आपको कोरियन ईसाई मिशनरियों का काला सच दिखा दें। आज नेपाल में कुल 300 कोरियन मिशनरी रहते हैं, जो स्टडी वीजा के नाम पर आए हैं, कई बिजनेस के नाम पर आए हैं, कई अपने व्यापार खोल के बैठे हैं। इन सभी का लीडर है कोरियन पादरी पांगझांग, जो बुरी तरीके से नेपाल में धर्म परिवर्तन के काले धंधे को चला रहा है। लोगों को लालच दिए जा रहे हैं, खाने का लालच, जमीन का लालच, पैसों का जलालच। आपको बता दे एक बेहद जरूरी सूचना, पांगझांग अपनी बीवी के साथ साल 2003 में नेपाल आया था, जहां उसने खुलासा किया कि जब मैंने इतनी सारी भगवान की मूर्तियां देखी तो मैं दंग रह गया, और तभी हमने सोच लिया कि यहाँ के लोगों को यीशु के चमत्कारों के बारे में बताना है। पांगझांग की पत्नी ने बताया कि जब साल 2018 में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून आया तो हम डर गए, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि हमें यीशु का प्रचार और प्रसार करना था, यीशु की जीत करानी थी। आपको बता दें ये ज्यादातर लामो धर्म को मानने वाले तमांग समुदाय के लोगों को टारगेट करते हैं, और इनके एक ही गांव में 70 से ज्यादा चर्च बनवाए हैं। बौद्ध की जन्मभूमि में लगभग 7,765 चर्चों का निर्माण किया है। कोरिया में ये दोनों हस्बैंड वाइफ बैंकर थे, और यहाँ आकर इन्होंने धर्म परिवर्तन का एक काला धंधा खोल लिया। इनका कहना है कि साल 2018 में जब सिविल वॉर हुई और जब सेक्युलर देश बन गया ये देश, तब हमें और ज्यादा आसानी हो गई धर्म परिवर्तन करवाने में। इसी के साथ साथ पूर्व उप प्रधानमंत्री कमलनाथ थापा ने चिंता जताई और कहा कि यदि धर्म परिवर्तन की गैंग नेपाल में यही नहीं रुकी तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पूरे देश में धर्म विरोधी कानून है, धर्म परिवर्तन विरोधी कानून है, लेकिन नेपाल में कोई एक्शन नहीं है। बीबीसी से इंटरव्यू के दौरान खुद पांगझांग ने इस बात का खुलासा किया कि हमें यीशु के चमत्कारों के बारे में पूरी दुनिया को बताना है, और यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं किया जाता धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के तहत, इसीलिए हम लोग टेंशन फ्री हैं। दिल्ली का एक पंडित जो साल 2018 में धर्म परिवर्तन को लेकर जेल गया, वो आज नेपाल की ईसाई मिशनरी कमिटी का मेंबर है, और आज दंगे की चोट पे बोलता है कि मैं करवाता हूँ धर्म परिवर्तन, आ जाइए मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। तो ये स्थिति है नेपाल की। अब बात करते हैं पाकिस्तान के सीक्रेट ग्रुप्स की, जो धर्म परिवर्तन के धंधे में बुरी तरीके से जुटा हुआ है, और जिहादी गैंग भी अब इसमें शामिल हो गया है। लगभग 24 पाकिस्तानी सीक्रेट ग्रुप्स एक्टिव हैं नेपाल में, जो बॉर्डर पे जा जाकर मस्जिद और मदरसों का निर्माण कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ऐसी बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो विदेशी फंडिंग करती हैं, और इस फंड के पैसे से मस्जिद और मदरसों का निर्माण करवाया जाता है। लगभग 365 मस्जिद और 330 मदरसों का निर्माण करवाया गया नेपाल में। जिहादी गैंग एक्टिव बुरी तरीके से नेपाल में हो चुका है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो इनका फुल सपोर्ट कर रहे हैं, और ये लोग बुरी तरीके से जुटे हुए हैं नेपाल, जो एक हिंदू बहुल राज्य था या है, उसे बुरी तरीके से बदलना चाहते हैं। मौलवी अलग लगे हुए हैं, पादरी अलग लगे हुए हैं, दोनों अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और जो लोग नहीं मानते उनके बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, यानी कि युवा पीढ़ी का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जिनका ब्रेन वॉश करना शायद बेहद आसान है, तो ये सभी को टारगेट कर रहे हैं। ये बहुत ही भयावह स्थिति है, और जिस तरीके से कमलनाथ थापा जी ने कहा कि कोई एक्शन नेपाल में नहीं होता है, ये भी भयंकर सिचुएशन है कि नेपाल कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है। यदि नहीं लिया तो जल्द ही नेपाल से हिंदू गायब हो जाएंगे, और ईसाई मिशनरी और मौलवी मौलाना ही पूरे देश में बिखरते हुए दिखाई देंगे।
इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।